welcome back to my channel Built for Life. Today I'm going to prepare coconut laddoo in a very quick and easy way. Coconut बहुत अच्छा fruit होता है, but हम अपने regular life में उसे ज़्यादा use नहीं कर पाते. But अगर हम उसे laddoo का form दे, तो हम इसे बहुत अच्छे से खा भी सकते हैं और बहुत बिल्ली में बहुत yummy recipe है ये. तो मैं आपके साथ ही coconut laddoo share करूँगी. तो उसके साथ ingredients देख लें आप. ये मैंने fresh coconut लिया है और मैंने इसे बिल्कुल स्लाइस कट कर लिया है. उसके साथ हाफ बॉल ऑफ शुगर, थोड़ा सा इलायची पाउडर है ये, थोड़ा सा मैंने मलाई लिया है, ये फ्रेश मलाई है, और ये मिल्क पाउडर है हाफ बॉल, और थोड़ा सा मैंने मिल्क भी लिया है, और बस एक स्पून घी चाहिए. बस इतने सारे ही चीज़ों से मैं बहुत ईजी वे में बना के दिखाऊंगी कोकोनट. तो सबसे पहले मैं इस कोकोनट को ग्राइंड कर लूँगी. इसके लिए मैंने इसके थिन स्लाइसेस कर लिए हैं, और अगर आप ज़्यादा कोकोनट को मोटा रखेंगे तो मिक्सी खराब होने का बहुत चांसेस होता है. इस रेसिपी पे आप ड्राई कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं. तो पहले मैं इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लूँगी. देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक है और देखने में भी अच्छा लग रहा है. और मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप कोकोनट का जो बैक वाला पार्ट होता है, ब्राउन वाला पार्ट, वो निकाल लें, क्योंकि आप उसके साथ भी बना सकते हैं, बट उसको निकाल देने से इसका लुक बहुत अच्छा हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने पैन चढ़ा दिया है एंड ये कोकोनट मैं ऐड करूंगी और बस इसे 30 सेकंड अदरवाइज 1 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें, ताकि इसका मॉइस्चर चले जाए, इससे लड्डू काफ़ी दिन तक रह पाते हैं. तो मैंने इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है. इसका कलर चेंज ना होने दे बिल्कुल, बस इसका मॉइस्चर हटाने तक आप इसे रोस्ट कर लें. अब मैं इसमें 2 स्पून घी ऐड करूंगी. घी से एक्चुअली इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है. कोकोनट में ऑलरेडी ऑयल होता है, बट थोड़ा सा घी डालने से लड्डू अच्छे बन भी जाते हैं और फ्लेवर भी अच्छा आता है. तो इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी. एंड वन चीज आप माइंड में रखें कि जब भी आप ये लड्डू बनाएं, हमेशा फ्लेम को लो पे रखें, तभी ये लड्डू अच्छे बनते हैं. अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी, जस्ट हाफ कप. इससे लड्डू बहुत जूसी बनते हैं. और आप अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. फिर उसको यूज करने के बाद आपको मिल्क पाउडर और मिल्क कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. तो मैं आपको मिल्क पाउडर से ही बना के दिखा रही हूँ. इसके साथ ही अब मैं शुगर डाल दूंगी. ये 1 बॉल ऑफ कोकोनट था, तो मैंने 1/2 बॉल ऑफ शुगर ऐड किया है. एंड शुगर को ही आप लो फ्लेम पे ही कुक करें, अदरवाइज शुगर कैरामलाइज्ड हो जाएगा एंड लड्डू हार्ड हो जाएंगे. तो इसे बस शुगर को डिजॉल्व होने तक आप जस्ट मिक्स कर लें. शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है एंड इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी. एंड ये फ्रेश मलाई है मेरे पास 4 टेबल स्पून, वो भी मैं ऐड कर दूंगी. इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एंड बहुत जूसी बनते हैं लड्डू. जस्ट मिक्स इट. अच्छे से मिक्स हो गया है मलाई के साथ. अब मैं इसमें 1/2 बॉल ऑफ मिल्क पाउडर डाल दूंगी. इससे लड्डू अच्छे बन जाएंगे एंड फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा. इसे अच्छे से मिक्स कर ले एंड फ्लेम हमेशा लो पे रहे. अब मैंने अमूल पाउडर मिक्स कर दिया एंड फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख के लीड कवर करके 1/2 मिनट तक पका लिया. इसे 1 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल मिक्सचर ड्राई हो गया है. तो इसे मैं बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन कर लूंगी, उसके बाद इसके लड्डू बांध के दिखाऊंगी. आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा. तो मेरा मिक्सचर कम्प्लीटली कूल हो गया है, देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है. अब मैं हैंड में थोड़ा सा घी ग्रीस करूंगी, और आपको जिस भी साइज के लड्डू चाहिए होंगे आप इस साइज का थोड़ा सा मिक्सचर ले लें. इस तरीके से रोल करें, देखिए कितने अच्छे से बन जा रहा है विदाउट क्रैक. ये देखिए, बिलीव मी बहुत जूसी है एंड बहुत क्विक रेसिपी है. घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा. देखिए कितने प्यारे लड्डू लग रहे हैं. मैं ऐसे सारे लड्डू बना लूंगी. देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे लड्डू बने हैं, कितना मस्त लग रहा है. अब मैं इसे आलमंड से गार्निश कर दूंगी. आपके पास काजू पिस्ता कुछ भी हो तो आप उससे गार्निश कर दीजिएगा. एंड देखिए बस 1 कप कोकोनट में मेरे 13 लड्डू बन गए हैं, और क्या मस्त लग रहा है. अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ.
Now my coconut laddu is ready to serve. Just have a look, क्या yummy लग रहा है। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे झटपट से ये लड्डू बनाएं। And do try my recipe. Don't forget to subscribe my channel. And till then, bye bye and thank you.